Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 7 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 151 to question number 175. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 और क्वेश्चन है इन द लॉन्ग रन अंडर विच कॉम्पिटिशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, किस कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन के अंडर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन है मोनोपोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मोनोपोली। मोनोपोली वो कंपटीशन होता है जहां पे कोई भी फर्म लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 152 और क्वेश्चन है नेशनलाइजेशन मीन्स। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के स्टेक्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। दूसरा ऑप्शन है हमारा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। तीसरा ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट परचेजिंग 26% शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज। और आखिरी ऑप्शन है हमारा टेकिंग ऑफ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, taking of full control and management from private sector by the government is called nationalization. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153 और क्वेश्चन है इन अप्रैल 2020 बैंक रेट इज डैश परसेंट। ठीक है, अप्रैल 2020 के हिसाब से बैंक रेट कितना परसेंट है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 6.50%, दूसरा ऑप्शन है 4.50%, तीसरा ऑप्शन है 4.650% और चौथा ऑप्शन है 6.50%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 4.650%। अप्रैल 2020 के हिसाब से जो बैंक रेट है वो है 4.650%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 और क्वेश्चन है इन अप्रैल 2020 द SLR वाज डैश परसेंट। अप्रैल 2020 के हिसाब से जो SLR रेट है जिसे RBI फिक्स करता है वो कितना परसेंट है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 15.25%, दूसरा ऑप्शन है 16.50%, तीसरा ऑप्शन है 18.25% और चौथा ऑप्शन है 19.65%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 18.25%। हमारे देश में रिसेशन चल रहा था कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले, जिस वजह से हमारे देश के जो आरबीआई है उसने डिसीजन लिया कि जो हमारा एसएलआर रेट है और प्लस सीआरआर रेट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो एसएलआर रेट को रिड्यूस करके 18.25% कर दिया गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155 और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ वॉज रेफर्ड बाय। ये डेफिनेशन किसने दी थी कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक साइंस है जो वेल्थ में डील करता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन है जेबी से, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है एसी पीगू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जेबी से ने डेफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है इज द साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 और क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वॉज पास्ड इन। हमारे देश के अंदर जो पावर है, पावर मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया था। आपको बताना है किस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया था। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन द ईयर 2003, दूसरा ऑप्शन इन द ईयर 2005, तीसरा ऑप्शन इन द ईयर 2002 और चौथा ऑप्शन इन द ईयर 2004। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इन द ईयर 2003। इन द ईयर 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वॉज पास्ड
इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ पावर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 और क्वेश्चन है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ आर इंपोर्ट बिल। हम जो भी इंपोर्ट कराते हैं ना, इंडिया जो भी इंपोर्ट कराता है उसमें पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेंट्स कितना परसेंट इंपोर्ट बिल का हिस्सेदारी है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 29%, मतलब इंपोर्ट बिल का 29% पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। दूसरा ऑप्शन है 27%, तीसरा ऑप्शन है 33% और चौथा ऑप्शन है 18%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 27%। इंडिया जो भी इंपोर्ट कराता है उसका जो बिल आता है ना, इंपोर्ट का बिल, उसका 27% बिल कॉन्स्टिट्यूट पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 और क्वेश्चन है अबाउट डैश परसेंट ऑफ सिक यूनिट्स आर अदर देन स्मॉल यूनिट्स। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 98%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5% और चौथा ऑप्शन है हमारा 30%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2%। अबाउट 2% ऑफ सिक यूनिट्स आर अदर देन स्मॉल यूनिट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 और क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज। देखिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो आता है सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए। तो मेनली तो जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है उसके रॉ मटेरियल्स के लिए। हमारे पास चार ऑप्शन है, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। हमारा पहला ऑप्शन है द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा ऑप्शन है द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइडर मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160 और क्वेश्चन है द सर्विस सेक्टर इन इंडिया नाउ अकाउंट्स फॉर। जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का वो कितने परसेंट जीडीपी को लेकर के आता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 50-60% ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, जिसे हम टर्चरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है 60-70% ऑफ जीडीपी, तीसरा ऑप्शन है 40-50% ऑफ जीडीपी और चौथा ऑप्शन है 30-40% ऑफ जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 50-60% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161 और क्वेश्चन है द हाईएस्ट यूजर ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज। जो कमर्शियल एनर्जी है उसके जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रेलवेज, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाउस होल्ड और चौथा ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंडस्ट्री। जो हाईएस्ट यूजर है ना कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी और कमर्शियल का मतलब प्रॉफिट मेकिंग, तो वो इंडस्ट्री सेक्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162 और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू NSSO सर्वे, जो NSSO का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वेयर सेम एज दोज ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस। दूसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वेयर हायर देन दोज ऑफ द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस। तीसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वेयर लोअर देन दोज ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। NSSO सर्वे के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वो हाई है देन दोज ऑफ द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस, मतलब करंट डेली बेसिस का जो रेट है वो यूजुअल स्टेटस से ज्यादा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 163 और क्वेश्चन है हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विस टू।
जो पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है वो हेलीकॉप्टर सर्विस किसको प्रोवाइड कराते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम सेक्टर, सेकंड ऑप्शन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर सर्विस, जो हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो पेट्रोलियम सेक्टर को भी देते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी वो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, और क्वेश्चन है इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टूड एट मोर देन डैश करोर्स इन 2019. इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ना, जो उधार ले रखा है इंडिया ने एक्सटर्नल डेट से, वो कितने करोड़ से ज्यादा है इन द ईयर 2019? यू हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 5,43,000 करोड़ से ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन 7,58,000 करोड़ से ज्यादा है, थर्ड ऑप्शन 8,48,000 करोड़ से ज्यादा है, और फोर्थ ऑप्शन 9,48,000 करोड़ से ज्यादा है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5,43,000 करोड़ से ज्यादा है. इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टूड एट मोर देन 5,43,000 करोड़ इन 2019. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 165, और क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चीजें आती हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ओनली कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन ओनली करंट अकाउंट, और चौथा ऑप्शन ओनली ट्रेड अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन ए. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, और क्वेश्चन है हमारा बजट डेफिसिट मींस, जो बजट डेफिसिट है उसका मतलब क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और चौथा ऑप्शन है टोटल बजटरी रिसीट्स माइनस रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर. जो बजट डेफिसिट का मतलब होता है वो टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर होता है. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, और क्वेश्चन है हमारा द मेन एम ऑफ एफ आर बी एम बिल इज टू रिड्यूस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बाय डैश परसेंट ऑफ जीडीपी. जो एफ आर बी एम का जो बिल है उसका जो मेन एम है वो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना कितना परसेंट ऑफ जीडीपी तक. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 2.4% ऑफ जीडीपी, फिस्कल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है 2.4% ऑफ जीडीपी, दूसरा ऑप्शन है 3.0% ऑफ जीडीपी, थर्ड ऑप्शन इज 1% ऑफ जीडीपी, और फोर्थ ऑप्शन इज 0.25% ऑफ जीडीपी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3% ऑफ जीडीपी. ये अप्रैल 2020 की बात है जब निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेप लिया और जो हमारा एफ आर बी एम का जो बिल का जो एम था उसे रिड्यूस करके, मतलब रिड्यूस ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बाय 3% ऑफ जीडीपी उन्होंने डिक्लेयर किया. ठीक है, जो मेन एम है वो ये है. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 168, और क्वेश्चन हमारा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ. देखिए प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो जो 5-year प्लान होता है दैट इज प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो प्लान की कैटेगरी में नहीं आता उसको कहते हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लार्जली द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. Although it is included in capital expenditure, it covers all expenditure not included in plan expenditure. ठीक है, अब इन्होंने बोला कि non plan revenue expenditure में क्या क्या चीजें आती हैं, जरा बताइएगा. We have four options. पहला option है हमारा defense, दूसरा option है हमारा interest payments, तीसरा option है food and fertilizer subsidy, और चौथा option है all of the above. तो इस question का सही answer होगा option D, all of the above. नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, और क्वेश्चन है हमारा द गवर्नमेंट नाउ टैप्स 91 डेज ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द मार्केट एंड शोज देम एज अ पार्ट ऑफ. जो गवर्नमेंट है ना वो अब 91 डेज का ट्रेजरी बिल लेकर के आ रही है मार्केट से, और उसे किस
इनमें से किस रिसीट का हिस्सा बताने वाली है? द गवर्नमेंट नाउ टैप्स 91 डेज ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द मार्केट एंड शोज देम एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट. ऑप्शन बी लोन रिसीट, ऑप्शन सी कैपिटल रिसीट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कैपिटल रिसीट. जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट नाउ टैप्स 91 डेज ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द मार्केट एंड शोज देम एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 170 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, पहला जो स्टेटमेंट है वो है, इन इंडिया वी मेनली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी. देखिए पॉवर्टी दो तरीके की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी. तो इन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो पॉवर्टी मेजर किया जाता है वह रिलेटिव पॉवर्टी मेजर किया जाता है. क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, जीनी कोफिशियंट्स आर यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी. तीसरा, जीनी कोफिशियंट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इन रिलेटिव सेंसेस. और चौथा, व्हेन पॉवर्टी इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जीनी कोफिशियंट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इन रिलेटिव सेंसेस. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 171 और क्वेश्चन है पर कैपिटा नेशनल इनकम मींस. पर कैपिटा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं. पहला है एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दूसरा ऑप्शन है टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एनएनपी, और चौथा है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. पर कैपिटा नेशनल इनकम मींस एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 172 और क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, द जीनी इंडेक्स फॉर इंडिया इन 2010 एंड 11 वाज. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 के हिसाब से जो इंडिया का जीनी इंडेक्स था 2010-11 के हिसाब से वो क्या था? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा 0.33, दूसरा ऑप्शन है 0.29, तीसरा ऑप्शन है 0.53 और चौथा ऑप्शन है 0.18. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 0.33. ठीक है, जीनी इंडेक्स था इंडिया का. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173 और क्वेश्चन है हमारा, ट्राई इज रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर डैश इन इंडिया. इनमें से किस सेक्टर के लिए ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है? पहला ऑप्शन है हमारा टूरिज्म के लिए ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेलीकॉम के लिए, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑप्शन है टेक्निकल एजुकेशन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टेलीकॉम. ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 और क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच. ऑप्टिमम पॉपुलेशन किस लेवल का पॉपुलेशन होता है, जरा बताइए. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है आउटपुट पर कैपिटा इज द हाईएस्ट, दूसरा ऑप्शन आउटपुट पर कैपिटा इज द लोएस्ट, तीसरा ऑप्शन आउटपुट पर कैपिटा इज द सेम, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आउटपुट पर कैपिटा इज द हाईएस्ट. ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच आउटपुट पर कैपिटा इज द हाईएस्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 और क्वेश्चन है हमारा, टेंथ प्लान का मतलब है टेंथ फाइव ईयर प्लान जो 2002 से 2005 तक था. टेंथ फाइव ईयर प्लान एम्स एट रिड्यूसिंग द मेटरनल मोर्टेलिटी रेट टू डैश पर 1000 बर्थ बाय 2007. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2. इसको एक बार स्टेटमेंट में पुटअप करके देखते हैं. टेंथ फाइव ईयर प्लान एम्स एट रिड्यूसिंग द मेटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 2 per 1000 बर्थ बाय 2007. जो टेंथ फाइव ईयर प्लान था ना, उसमें एम किया गया था जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा पर 1000 बर्थ के हिसाब से. ठीक है, मेटरनल का मतलब होता है मदर का जो डेथ है ना, मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ पे जो मदर्स की डेथ हो जाती है. 2007 तक उसका एम ये कर दिया गया था कि पर 1000 बर्थ पे इस ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसको पर 1000 पे सिर्फ 2 तक रखना है. मतलब 1000 बच्चे पैदा हो तो उसमें जो डेथ हो वो सिर्फ 2 हो मदर के, मदर्स का जो डेथ है. ठीक है, रेट इतना कम करना है, रिड्यूस करना है.
तो दिस वॉज आर क्वेश्चन नंबर 175 और उसका आंसर है ऑप्शन 2. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.